जुलाई महीने में हर साल कारगिल युद्ध की याद ताजा हो जाती है और कारगिल युद्ध में वीरभूमि हमीरपुर के सपूतों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान दुश्मनों पर अकेले ही भारी पड़ने वाले हमीरपुर के तनेकंठ गांव के सुनील कुमार शहीद हो गए थे। सुनील कुमार 18 जुलाई को कारगिल युद्ध में देश के लिए कुर्बान हो गए थे और आज भी परिजन सही सुनील को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि दो दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज दिन तक शहीद के घर तक सड़क निर्माण कार्यों को पूरा न होने पर शहीद के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में भी मलाल है। शहीद सुनील कुमार के माता सत्य देवी ने नम आंखों से अपने बेटे की दास्तां सुनाते हुए कहा कि बचपन से ही बेटे को आर्मी में जाने का शौक था। उन्होंने कहा कि बहन की शादी नजदीक होने पर 10,000 रुपए भेजे थे और शादी के लिए जल्द छुट्टी आने वाला था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका शव ही घर आया था। माता ने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर बहुत गर्व है। डैडिये की भी इच्छा ही इन्हें मैं फौज च भर्ती कराना। चलिए फौज मेरे बच्चे पर बड़ा गर्व था, बड़ा अच्छा हा। फिर बच्चा दा तंग कैसी है भी, पर खरा हा, अच्छा हा, बोलता हा। मैं सब कुछ कर इन्हें दिखाऊंगा तुम। जो पहले चिट्ठी आई ही पहले दीदी बहनी का ब्याह 10,000 भेजा, बोले मैं 10,000 भेजे भी डैडी जी तो हाँ समान ले लैना, जो समान ही बाकी ब्याह ही आना फिर ही करा जो छुट्टी आ रहा। तो 18 जो यह तो 24-26 ब्याह भाण जी का छुट्टी आ रहा से तो दिन लड़ाज जिते अपने हिसाब आयोग ले आऊंगा तो 10,000 तो नहीं भेजी था पहले ही 26 खुदी है या फिर 18 जो खत्म हुई है शहीद हुई है। बड़ा गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। लिए चली गया सेवा के लिए सारे ने। शहीद के भाई मेहर ने बताया कि सुनील कुमार के शहीद होने के बाद सरकार ने वायदा किया था वो सब पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक सड़क का काम पूरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि अपने भाई की शहादत पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि गांव में डाकघर शाखा के साथ साथ औषधालय खोलना चाहिए। भाई सुनील कुमार जो था वो बहुत ही जज्बे वाला भाई था। वो गेमें वो खेलता था, गेमें मैंने भी खेली हैं और देशभक्ति का उसमें जज्बा था। उसके ऊपर बहुत गर्व है, जितना कोई उम्मीद नहीं कर सकता उतना मुझे गर्व है उस पर। बैंक शाखा हो जाए या डाकखाना हो जाए वो भी अच्छी बात है। और हमारी पंचायत जो है वो 6 किलोमीटर साथ है, वो भी लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेना मेडल सूबेदार प्रेम चंदेल ने बताया कि सेना में एक युद्ध ऑपरेशन के दौरान 3 गोलियां लगी थी। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार की शहादत पर बहुत गर्व है और उनके पद चिन्हों पर युवा भी आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा शहीद के घर तक सड़क बनाने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक सड़क पूरी नहीं बन पाई है। गौरतलब है कि शहीद सुनील कुमार 24 साल की उम्र में शहीद हो गया था और शहीद सुनील कुमार 14 जेके रेजिमेंट में सेवाएं दे रहा था। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में शहीद होने के बाद सरकार द्वारा शहीद के घर तक सड़क सुविधा देने का वायदा किया था, लेकिन आज दिन तक सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल गई है। वहीं अब इतने साल बीत जाने के बाद भी गांव की अनदेखी हुई है और गांव में ना तो डाकघर डिस्पेंसरी तक नहीं खुल पाई है। सूबेदार प्रेम चंदेल सेना मेडल, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और 30 साल आर्मी में नौकरी करके आया हूँ। मुझे भी ऑपरेशन ओपी रक्त थर्ड में एक ऑपरेशन के दौरान 3 गोलियां लग गई थी। काफ़ी लंबा टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। हमारे गांव के शहीद सुनील कुमार ऑपरेशन कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी शहादत पर हमें बहुत गर्व है और उनके ही पदचिन्हों पर हमारे आगे वाली जनरेशन जो है वो आर्मी में जाने की उत्सुक है और खूब बच्चे आर्मी में गए हैं और लगभग सभी लगभग 80% बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं इस वक्त इस गांव के। शहीद होने के बाद जो प्रदेश सरकार ने जो
शहीद के मतलब शहादत पर जो कोई आश्वासन दिए थे तो अभी तक तो पूरे नहीं हुए, लेकिन एक डेढ़ साल से शहीद के घर तक एक अभी सड़क बनी है जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और एक अभी थोड़े 10-15 दिन पहले एक शहीद के घर के पास एक हैंडपम्प लगाया, बाकी काम जो है वो सड़क का चालू है अभी।